under the course of trends and issues in early childhood education we were discussing individualized instruction and now we will see what may be the teaching strategies for individualized instruction so it is imperative that teachers know individual children's interests cultures values before determining the best way to create learning opportunities they uh, individualized instruction ya तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को अच्छे से समझा जाए वो कौन से कल्चर से कौन से बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं और फिर ये कि उनके दिलचस्पी जो है वो किस चीज़ में है बच्चे को अच्छे से समझना क्योंकि पीछे हमने डिस्कस किया है कि हमें सबसे पहले बच्चे को जानना है उसके बाद ही हम उसको इनफ़रादी तवज्जो दे सकते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ सात ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू वो बच्चे जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हैं दूसरे बच्चों से ज़रा हटके हैं या उनकी कुछ डेफिशेंसीज या मसाइल हैं उनको हम किस तरह से बेहतर तौर से गाइड कर सकते हैं सबसे पहले तो है जी कमेंट अबाउट एन इवेंट वो बच्चे जो बोलना पसंद नहीं करते आप कोई ना कोई ऐसा कोई इवेंट या सेलिब्रेशन है या कोई गेम है वट एवर द फिनमिना इज तो आप उस जो एजुकेटर है वो बच्चे को कुछ कमेंट करेगा और बच्चा उसका कुछ जवाब देगा ऐसी सूरत में वो बोलेंगे फिर हम ये देखते हैं कि आप बच्चे आपने बच्चे ने कोई स्टेटमेंट दी जैसे वो कहता है कि दिस इज़ एन एप्पल तो आप कहते हैं येस इट इज़ अ ग्रीन एप्पल और सर रेड एपल वेरी डिलीशियस तो आप उसी की बात को एक्सटेंड करते हैं ताकि कुछ मज़ीद बोले या मजीद उसकी विकैबलरी में इजाफा हो फिर ऐसा भी है कि कुछ आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट उसके सामने करें जिससे वो बोले मसलन आप टोपी को पाओ में पहना दें जुराब को सर पे पहनाने की कोशिश करें डॉल की बात कर रहे हैं तो अगर उसको लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है ये कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर वो बातचीत करने की कोशिश करेगा फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको कोई खिलौना देने को दें और वो नामुकम्मल हो तो वो फिर मजीद के लिए मांगेगा कि अच्छा जी मुझे जैसे आपने उसको आ, कोई गाड़ी दे रखी है तो वो ट्रैक की बात कर सकता है या आपने उसको बॉल दिया है तो वो स्पेस की बात करेगा तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें देनी हैं जैसे कोई आप ब्लॉक्स दे रहे हो तो बीच में कोई एक ब्लॉक ना हो तो बच्चे फिर पूछेंगे कि जी ये ये वाला ब्लॉक किधर है तो आप उसको कुछ बोलने पे भी कुछ सोचने पे भी और अपने साथ इंटरेक्ट करने का असल में मौका दे रहे हैं ताकि जब वो इंटरेक्ट करेगा तो उसकी बातें खुल के सामने आएंगी जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो भी खुल के सामने आएंगे और उसका मेंटल लेवल भी आपके ऊपर आश्कार होगा आपको समझ आएगी कि इस वक्त वो किस मेंटल लेवल पे है फिर कुछ जगह पे ऐसा भी करना पड़ता है जब बच्चा बिल्कुल फिर भी नहीं बोल रहा तो ब्लॉक एक्सेस जिसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ उसके सामने है बड़ा अट्रैक्टिव कोई टॉय है या स्टोरी बुक है लेकिन आप उसको दे नहीं रहे आप कहते उसको को आपको स्टोरी बुक चाहिए वो कहता है हाँ चाहिए लेकिन अभी आपने उसको दी नहीं है तो शी विल टॉक अगेन एंड अगेन बच्चे आपको पता है हल्का फुल्का इसरार करते हैं तो आपने उनको कहना है कि जी आप ये मुझे एक्सेस दें या मतलब बच्चा कहेगा आपको मुझे ये एक्सेस दें सो इस तरह से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके सामने कुछ ऑप्शनस रखें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ की या कुछ डिफरेंट टॉयस हों जिनको देख के बच्चा उन चॉइसेस में से खुद सेलेक्ट करेगा तो फिर आप उसकी रीज़न भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ये आपको क्यों चाहिए आप सिर्फ़ और सिर्फ फ्लैग uh, से ही क्यों खेलना चाहते हैं या घर ही क्यों बनाना चाहते हैं आपको क्यों अच्छा लगता है क्यों बनाना चाहते हैं तो देन शी विल टॉक देन मेक अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू से और डू समथिंग और समाइम्स ये होता है कि कई दफ़ा बच्चे खुद से इनिशिएटिव करते ही नहीं हैं कुछ खुद से नहीं बोल पा रहे या खुद से कुछ करके नहीं दिखा रहे तो फिर आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई आप ये छोटे से ब्लॉक्स के साथ मुझे एक बिल्डिंग बना के दिखाएं या मुझे एक गाड़ी बना के दिखाएं या आप ड्रॉ करके दिखाएं मुझे एक होम ड्रॉ करके दिखाएं या एप्पल बना के दिखाएं तो ऐसी सूरत में आप खुद से कुछ कह के कुछ डिमांड करके बच्चे को हल्का फुल्का मजबूर करते हैं सॉफ्टली कि वो भी कुछ एक्टिविटी करके दिखाए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि असल में इस वक्त वो क्या सोच रहा है और उसका मेंटल लेवल क्या है